तो क्या आप ऑनलाइन यूपीआई या क्यूआर कोड के जरिए करते हैं पेमेंट? तो ऐसी घड़ी में आप एक बहुत ही बड़ी फ्रॉड की शिकार बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता के मोरहब टेक चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग यूपीआई पेमेंट या क्यूआर कोड के थ्रू करते हैं जो पेमेंट, तो इस घड़ी में दोस्तों यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम मतलब कि बहुत ही फ्रॉड की शिकार बन सकते हैं। आप मेरे वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या ट्रिक्स के माध्यम से बताना हो, किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा, तभी जाकर हम सेफ रह पाएंगे, हम मतलब कि एक बहुत ही फ्रॉड के शिकार नहीं बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों एक बहुत ही गुड अपडेट के साथ। दोस्तों, हमारा देश इंडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी घड़ी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि चाहे हमको 10 रुपए का चॉकलेट लेना हो या हवाई जहाज का टिकट या किसी दुकानदार के पास जाकर या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी दुकानदार के पास जाते हैं, चाहे वो राशन दुकान हो या किराना दुकान हो या पान दुकान हो या जो भी छोटा मोटा दुकान हो, आज की डेट में दोस्तों हमको यूपीआई पेमेंट या क्यूआर कोड के जरिए दोस्तों पेमेंट करना पड़ता है। चाहे हमारा बाहर देश बंधु भी रहते हैं, भाई बंधु में रहते हैं, तो उनको भी हम यूपीआई पेमेंट या क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो ऐसी घड़ी में दोस्तों एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज वायरल हो रही है जो मैं सोच रहा हूं कि दोस्तों कि आप लोगों के सामने रख दूं, तभी जाकर आपको का भी कुछ नॉलेज दोस्तों बढ़ता चला जाएगा। आप लोग कुछ अपने मतलब कि दिमाग पर भार दीजिएगा कि नहीं हम इस बात को थोड़ा सीखें। मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज वायरल हो रही है। जैसे मानिए कि दुकान जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में हम लोग जाते हैं दोस्तों, या जो भी हो राशन दुकान, किराना दुकान, पान दुकान, जो भी है दोस्तों, उन लोगों को दुकानदार के आगे आप लोग दिखिएगा दोस्तों कि क्यूआर कोड लगा रहता है। ऐसे में क्या है दोस्तों कि जब हम उनके पास सामान लेते हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तभी जाकर दुकानदार को हम पेमेंट कर पाते हैं। ऐसी घड़ी में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंडिंग न्यूज वायरल हो रही है कि हैकर्स क्या कर रहा है दोस्तों, कि आपका जो आगे में जो क्यूआर कोड लगा रहता है, चाहे शॉपिंग मॉल में या दुकानदारों के आगे जो लगा रहता है, तो हैकर क्या करता है दोस्तों कि वही क्यूआर कोड रहेगा, क्यूआर कोड नहीं बदलेगा, कुछ उसमें कुछ ट्रिक्स इधर उधर कर देगा। उस घड़ी में क्या दोस्तों कि जब हम करेंगे पेमेंट तो दुकानदार के खाता में पेमेंट न जाकर वो हैकर के खाता में पैसा चला जाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं कि यदि आप सावधान रहिएगा तभी जाकर हम लोग सेफ रह पाएंगे। मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों कि आज की डेट में साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड इतना बढ़ चुका है कि इसे रोकना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन भी है। ऐसी घड़ी में दोस्तों यदि हम लोग जब जाकर सतर्क रहेंगे तभी जाके हम सेफ रह पाएंगे। तो आपको मैं कुछ बातों को मैं बोल रहा हूँ कि फॉलो कीजिए। जैसे मान लें कि आप दुकानदार के पास जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो क्या आप क्यूआर कोड के जरिए या यूपीआई पेमेंट के जरिए जब पेमेंट करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखिए, आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए क्यूआर कोड जैसे ही आप स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद दोस्तों दुकानदार का नाम आता है, उस दुकानदार के नाम को अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए, उसको दिखा लीजिए दुकानदार को कि नहीं भैया यही आपका क्यूआर कोड है ना, यही आपका नाम है ना, तब जाके उसको यूपीआई पेमेंट कीजिए या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको इसी बात को लेकर दोस्तों मैं बताने वाला हूं, बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज वायरल हो रही है, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, हैकर्स इतने बढ़ चुके हैं दोस्तों कि वो लोग नाना प्रकार का मतलब कि ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे मतलब कि लोगों का पैसा, जीवों का पैसा काट कर उनका पैसा जेब से निकाल कर हम अपना जेब भर ले। ठीक है, तो इन बातों को दोस्तों आप जरूर फॉलो कीजिएगा, याद रखिएगा, तभी जाकर आप सेफ रह पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में नॉलेज मिले। ठीक है, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल घंटा को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कीजिएगा, क्योंकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले वीडियो देखें। ठीक है, और यदि आपके मन में किसी प्रकार डाउट क्वेश्चन है या सुझाव है या किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स एनी टाइम खाली रहता है, आप वहां पे कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द अवश्य रिप्लाई दूंगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।